नमस्कार, चलिए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में आज मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां कम बारिश होगी, कहां ज्यादा, किस जिले में हवा की गति कितनी होगी और किन किन जिलों में तापमान कैसा रहने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले उन जिलों के बारे में जान लेते हैं जहां पर बहुत ही हल्की बारिश या यूं कहे कि घने बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है। वे जिले हैं कोरबा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी, भिलाई, जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, सुकमा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मनेन्द्रगढ़। इन जिलों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मध्यम वर्षा वाले जिलों की बात करें तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में मध्यम वर्षा होने की कोई संभावना नहीं बन रही है। भारी बारिश वाले जिलों की बात करें तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में भारी बारिश होने की कोई संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा नहीं जताई गई है। साफ मौसम वाले जिलों की बात करें तो वे जिले हैं रायपुर, जसपुर, सक्ती, बलरामपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, चिरमिरी, कोरिया, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, महासमुंद, बालोद, बड़ौदा बाजार, भाटापारा, मुंगेली, सारंगढ़, मानपुर और राजनांदगांव। इन जिलों में मौसम साफ रहने वाला है तथा धूप भी देखने को मिल सकती है। तापमान की बात करें तो अधिक तापमान वाले जिले हैं बीजापुर और भिलाई जहां पर 31 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। न्यूनतम तापमान वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं कोरिया और गौरेला पेंड्रा मरवाही जहां पर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। वहीं बाकी जिलों की बात करें तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाली है तापमान की मात्रा। हवा की गति की बात करें तो अधिक हवा चलने वाला जिला है कोंडागांव जहां पर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। न्यूनतम हवा वाले जिलों की बात करें तो वह जिला है चिरमिरी जहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं बाकी जिलों की बात करें तो 17 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में आपके जिले की जानकारी नहीं मिल पाई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जिले का नाम जरूर बताएं जिससे आप तक हम आपके जिलों की जानकारी पहुंचा सकें।